हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y73 में और एम आर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से, वीवो की है 6.44 इंच की रेजोल्यूशन, 1080x2400 पिक्सल, और स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले। एम आई की डिस्प्ले 6.67 इंच की रेजोल्यूशन, 1080x2400 पिक्सल, और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। बात की जाए प्रोसेसर की, तो वीवो का है मेटे का G95 का CPU 2.05 GHz ऑक्टे कोर का, और 12 nm का फिनफैट, और MI का है स्नैपडील का 720G का CPU 2.3 GHz ऑक्टे कोर का, और 8 nm का फिनफैट, और प्रोसेसर के मामले में MI बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो वीवो का है ट्रिपल, जो मेन कैमरा सिटी फॉर्मेशन का फिर 2 का फिर 2 का। MI का है क्वाड में, जो मेन सिटी फॉर्मेशन का फिर 8 का फिर 5 का फिर 2 का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, वीवो का है 16 का और MI का है 32 का। बात की जाए बैटरी की, तो वीवो में ही 4000 mAh की, MI में है 5020 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात की जाए चार्जर की, दोनों में है 33 वाट का टाइप सी का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, और आपको दोनों फ़ोन में ट्रिपल सिम मिलती है, और वारंटी है 1 साल की, और कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। और बात की जाए रैम की, वीवो में है 8 GB की, MI में 6 GB और 8 GB की। बात की जाए मेमोरी की, वीवो में 128 GB की, MI में है 64 GB और 128 GB की। और आपको वीवो में एंड्रॉयड 11 मिलता है, MI में है एंड्रॉयड 10। बात की जाए प्राइस की, वीवो का स्टार्टिंग है 20,990 रुपये, MI का स्टार्टिंग है 15,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।